भारतीय मीडिया बिकाऊ है। अगर आपके पास एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है जो हम चला सकते हैं तो भैया हम बिकने के लिए तैयार हैं। ये आज एक बार फिर से सिद्ध हो गया है भारत के संसद में जो घटना हुई उसके ऊपर जिस प्रकार से रिपोर्टिंग हुई उसको देखने के बाद, जिस तरीके से पत्रकार वहां पर गिद्ध की तरह पर वो एक स्मोक कैन को पकड़ एक दूसरे को छीना झपटी कर रहे थे ना, अरे मैं दिखाऊंगा, अरे मैं दिखाऊंगा, नहीं मेरी बारी, अरे बहुत देर से दिखा रहे हो, अरे भैया थोड़ा हमें भी दे दो, अरे भैया ये क्या कर रहे, मतलब तमाशा बना के रख दिया है। भाई आप एक डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर रिपोर्टिंग करने गए लेकिन आप वहां पर सर्कस लगाकर बैठ गए। एक इतना सीरियस इशू हुआ संसद में, घुसपैठ हुई संसद में, और आप क्या कर रहे हैं, आपने उसको मौका बना दिया। 2001 के संसद हमले के बारे में राजीव सरदेसाई ने एक बार बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने गिद्ध पत्रकारिता के बारे में अपनी एक खोज करी थी कि भैया उन्होंने कह दिया कि भैया गेट लगा दो सुरक्षाकर्मियों को। कारण क्या था कि कोई और न्यूज चैनल अंदर ना आ पाए क्योंकि इनको एक्सक्लूसिव चाहिए थी। और आज राजीव सरदेसाई जी की जो बात थी वो एक बार फिर से सिद्ध होती हुई दिखाई दी। बस फर्क यह था कि इस बार गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा थी, हर कोई चाहता था कि नहीं भैया हमको कुछ मिल जाए, हमको कुछ मिल जाए, काय का न्यूज 18, काय का टीवी 9 भारतवर्ष, सबको चाहिए भाई, थोड़ा हमको मिल जाए, थोड़ा हमको मिल जाए। पल्लवी घोष इतनी बड़ी पत्रकार है वो तक उस भीड़ में धक्का मुक्की करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप बताइए ना मुझे, आप समझाइए मुझे, मैं चाहता हूं समझना कि ये पत्रकारिता का आखिर कौन सा स्तर है जिसकी तरफ आके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझको ये स्तर समझ में नहीं आता। ये स्तरहीन चीज है जो आज हुई है और इसका कोई स्तर नहीं है। संसद के ऊपर इतना बड़ा वाकया होता है, वहां से चार आरोपी गिरफ्तार होते हैं, दो संसद के अंदर दो संसद के बाहर नारेबाजियां होती हैं, संविधान बचाओ, जय भीम, भारत माता की जय, मतलब अलग अलग तरह की वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। नारे लगाने वाले लोगों को जब पता किया जाता है तो बोलते हैं कि भाई हम स्टूडेंट हैं, हम बेरोजगार हैं, उम्र पूछी जाती तो उम्र निकलती 42 साल, सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी जाती तो पता चलता है कि भाई ये तो प्रोटेस्टर हैं, आंदोलनजीवी हैं। सिर्फ थोड़ी सुर्खियों के लिए, सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए इंसान अपने देश की गरिमा को झुकाने के लिए भी बिल्कुल सोचता नहीं है। ये बात पुलिस प्रशासन से ही पूछनी जानी चाहिए कि आखिर जब मीडिया कर्मी वहां पर ही सर्कस कर रहे थे एक बहुत ही बड़े एविडेंस के साथ में, तब आप क्या कर रहे थे। भाई जो स्मोक कैन आरोपियों ने उपयोग किया है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होंगे, उसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, आपको चार्जशीट दाखिल करनी होगी कल को, लेकिन नहीं, वहां तो तमाशा चल रहा था। सुरक्षा में सेंध हुई है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए लोगों सवाल किया जाएगा, लेकिन क्या मीडिया की कोई जवाबदारी नहीं है। आज की तारीख में जो वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं इनको देखने के बाद में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि अरे भाई क्या रिपोर्टिंग हो रही है, हर एक व्यक्ति यही कहेगा अरे क्या रिपोर्टिंग हो रही है। हर कोई देख रहा है यार आपको कि आप लोग किस स्तर के ऊपर जा चुके हो, किस लेवल के ऊपर जाकर आप रिपोर्टिंग कर। बड़े बुजुर्ग कह के गए कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, यदि आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई और आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो अगर आप खुद जोकरों की तरह हरकत करोगे दूसरे भी आपको जोकर ही कहेंगे। आप खुद मौका देते हो लोगों को कि हाँ भैया आओ और हमारी उड़ाओ, आप खुद मौका देते हो लोगों को कि आपकी आलोचना करी जाए, आप खुद मौका देते हो दूसरे विपक्ष के लोगों को कि वो आपके ऊपर उंगली उठाएं, और उसके बाद जब आप ऐसी हरकत करते हो तो फिर आप पलट के ये नहीं बोल सकते कि अरे भैया तुम पिद्दी मीडिया हो, अरे भैया तुम तो उसकी मीडिया हो। नहीं, आप खुद क्या कर रहे हैं पहले वो तो देखिए। बंदरों की तरह वहां नाच रहे, अरे मैं दिखाऊंगा, अरे मैं दिखाऊंगा, अरे थोड़ी देर मुझे दिखाऊंगा, ऐसा कर, अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ी तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, थोड़ा तो मतलब अपने एक्सपीरियंस, मतलब वहां पर जितने पत्रकार मुझे दिखाई दे रहे थे ना वो करीब 10-12-15 साल से कम के एक्सपीरियंस वाले नहीं थे, सब वरिष्ठ पत्रकार थे, वो संसद के परिसर में मौजूद थे वो, लेकिन क्या कर रहे थे पत्रकारिता के नाम पर। मतलब ठीक है आपको टीआरपी चाहिए, आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, आपको एक्सक्लूसिवनेस चाहिए, सब चीजें मानता हूं मैं, लेकिन एक इंसानी विवेक के नाम की भी तो चीज होती है। आप परिस्थिति को समझ रहे हैं वहां पर क्या हुआ है, किसी मूवी का प्रीमियर नहीं चल रहा है वहां पर, भैया पहला टिकट हमको मिल गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। वहां पर देश की संसद के ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक टाइप का हुआ है भैया, घुसपैठ हुई है वहां पर, और आपने उस चीज का मजाक बनाकर रख दिया। मतलब लिटरली किसी भी तरीके से समझने वाली बात नहीं है, कोई नहीं समझा सकता इस चीज को कि वहां पर क्या किया गया है, समझ से परे हुई है जो भी चीज हुई है। और हर एक इंसान, हर एक शख्स जो मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि भैया चलो ठीक है हम न्यूज देखेंगे कि देश भर में क्या चल रहा है, वो वाकई में आज खुद से सवाल करेगा कि क्या वाकई में मुझे इन लोगों को देखना चाहिए, क्या वाकई में ये लोग हैं देखने लायक। ये हर एक इंसान आज अपने आप से सवाल कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जवाब किसी के पास नहीं होगा।
आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके बताइए। मेरे इस वीडियो फिलहाल तय, जय हिंद जय भारत।